जी दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, 4 या 5 फीट की आपके पास जगह है, और अगर आप साइड इनकम करना चाहते हो, अगर एक्स्ट्रा आमदनी करना चाहते हो, और अगर आप कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हो, तो दोस्तों आज ऐसा बिजनेस देखने वाले हो कि जैसे कि महीनों में आप सालों का कमा सकते हो। जी दोस्तों, महीने में सालों का कमाने वाले एक बिजनेस, यानी कि सीजनेबल बिजनेस इसको बोलते हैं ज्यादातर। लेकिन अभी इंडिया में काफी ज्यादा ये लोग पसंद करने लगे, और काफी लगा टूरिज्म पॉइंट में या बस स्टॉप में या काफी जगहों पे लगने वाला अभी ये बिजनेस हो चुका है। और अगर आपके पास 4 या 5 फीट की ही जगह है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में पूरा बिजनेस आइडिया। वेलकम टू सोडा मन सोडा मशीन। मेरा नाम है जावेद शेख, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। जी दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, मैं कुछ ना कुछ नया बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आता रहता हूँ। काफी लोगों ने मुझे बताया था सॉफ्टी आइसक्रीम के बारे में, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ आपको कि मुझे कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, और जो भी आपको नई प्रोडक्ट या कोई भी आपको नया इनोवेशन करना है तो मैं आपके लिए वो जरूर करूँगा। तो उसमें स्पेशली मुझे सॉफ्टी आइसक्रीम के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट की थी कि सर आपकी कंपनी में सॉफ्टी मशीन क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं लाते हो। लेकिन हमारी कंपनी एक अच्छी क्वालिटी की, एक अच्छी वेरीफाई करके एक अच्छी सर्विस वाली प्रोडक्ट लेके आती है। तो उसी तरह की एक इंपोर्टेड मशीन आज हमारी चैनल पे आप देखने वाले, और हमारी कंपनी में उसका सेलिंग शुरू होने वाला है दोस्तों। और ये अभी बिजनेस सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है, यानी कि एकदम नया 5-6 रुपये इन्वेस्ट करके आप 25 रुपये कमा सकते हो। जी दोस्तों, 20 से 25 रुपये में आसानी से प्रोडक्ट बिकता है। यानी कि मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों कि सॉफ्टी आइसक्रीम की मशीन की आज वीडियो देख रहे हैं हम लोग। तो जिससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या होगा हमारे आने वाले बिजनेस आईडिया में आपको पता चलता रहे। तो जी दोस्तों, 6 से 7 रुपये में कौन बनने वाली है और 20 से 25 रुपये में। तो जैसे कि मशीन के पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मशीन के साथ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज इस तरह का बुक्स आएगा, उसमें सारी जानकारी मशीन के बारे में दी गई हुई है, यानी कि आपको मशीन ऑपरेटिंग करना बहुत ही आसान तरीका इजी बनाने के लिए आपको इस तरह का पैम्पलेट मिलेगा, उसमें आपको सारी मशीनें की जानकारी दी जाएगी। उस तरह का मशीन आएगा, उसके बाद इस तरह का कुछ उसका एक्स्ट्रा पार्ट्स भी आएगा। और सबसे ये वाली चीज़ सबसे ज़रूरी है कि अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी जगहों पे आपको अलग अलग सॉफ्टी के कॉम्बिनेशन देखने के मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर और डिज़ाइन वाले सॉफ्टी। तो दोस्तों, इस तरह का सॉफ्टी में अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए अलग अलग मोड दिया गया हुआ है, यानी कि मोल्ड बनाया है इस तरह का अलग अलग। ये जैसे देख सकते हो 5-स्टार मॉडल है, ये आपका 40 वाला सिस्टम है, इस तरह के बहुत सारे मोल्ड आपको मिलेंगे। ये जैसे कि स्टार वाला फंक्शन है, इसके अंदर स्टार बना सकते हो। इस तरह का आपको एक किट दिया जाएगा जिससे आप अलग अलग बना सकते हो, उस तरह का पूरा एक किट मिलेगा आपको कंपनी की ओर से, उसका एक्स्ट्रा पार्ट से इस तरह का। जैसे कि मशीन अब आप देख सकते हो, मशीन की क्वालिटी आप देख सकते हो, पूरा मशीन स्टेनलेस स्टील में बनाया हो और प्री कूलिंग सिस्टम है दोस्तों, आपका मटेरियल ख़राब भी नहीं होगा, यानी कि आपके पास कस्टमर नहीं है। अगर आपको मशीन बंद रखना है तो आप आधा यूनिट बंद कर सकते हो, यानी कि आपकी बिजली की बहुत सारी बचत होगी। 3-स्टार मॉडल है, जिससे क्या होगा, प्री कूलिंग सिस्टम है, आपका मटेरियल ख़राब नहीं होगा, यानी कि आज आपका मटेरियल नहीं बिका है तो कल भी आप वही मटेरियल चला सकते हो। उस तरह का सिस्टम मशीन के अंदर अवेलेबल है, यानी कि 2 कंप्रेसर वाली सिस्टम है और सारी की सारी कूलिंग सिस्टम इंडियन है दोस्तों, यानी कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। सॉफ्टी मशीन आपने बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन इस तरह का क्वालिटी वाला मशीन लोगे तो आपका अच्छा खासा बिजनेस चलेगा दोस्तों। तो इसमें आपको मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, डिलीशियस आइसक्रीम बनाने के लिए, यानी कि सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन बनाने के लिए आपको 4 लीटर इस तरह का अलग अलग दूध चाहिए होगा, यानी कि 1 पाउडर इस तरह का अगर आप लेते हो, यानी कि कोई भी फ्लेवर आप बना सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी अभी आपको मार्केट के अंदर इस तरह का प्रीमिक्स मिलता है, या तो हमारी कंपनी की ओर से भी इस तरह का खरीद सकते हो। जैसे कि ये चॉकलेट फ्लेवर है, ये वेनीला फ्लेवर है। आज की मशीन में हम लोग ये दोनों चीज़ें डाल के आपको इसका लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो सबसे ज़रूरी, जैसे कि देख सकते हो मैंने आपको जिस तरह
होता है कि आइसक्रीम का फ्लेवर कैसे बनेगा सॉफ्टिकॉर्न का, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह का आपको एक पे एक किलो का इस तरह का पैकेट आएगा, वो खरीदना रहेगा या तो हम भी आपको देंगे इस तरह के। और उसको बनाने के लिए 4 लीटर दूध चाहिए होगा, यानी कि मिल्क चाहिए होगा इस तरह का, अच्छी क्वालिटी का आप मिल्क लेना ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी इस आइसक्रीम की। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको मैकिंग करके, यानी कि बना के इसको किस तरह बनाना और क्या क्या चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही साधारण चीज़ें हैं, यानी कि एक बाल्टी लेना है, पाउडर लेना है और मिल्क लेना है। तो इस तरह का 4 लीटर मिल्क लेके और 1 किलो पाउडर डालेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का एक बार बना के भी। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने 4 लीटर इसके अंदर बाल्टी के अंदर मिल्क डाल दिया है, यानी कि अभी आप देख सकते हो इसके अंदर मिल्क आ चुका है, कोई भी तरह का और चीज़ नहीं डालना है, सिर्फ इसके अंदर मिल्क ही ऐड करना है। अभी इसके अंदर हम लोग फ्लेवर डालेंगे अभी ये वैनिला का, जैसे कि देख सकते हो आप प्रीमिक्स वैनिला का, तो आपने देखा इस तरह का प्रीमिक्स पाउडर है, अभी इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने इसके अंदर आपका प्रीमिक्स या पाउडर डाल दिया है आइसक्रीम का, अभी इसको दोस्तों जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर ऐड हो चुका है ये, अभी इसको अच्छे से हम लोगों को घोलना है। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्लेवर बनाने की, इसमें सबसे अच्छी मोनोपोली है कि इसको प्रॉपर घोलना है ताकि इसको आपको कोई कंप्लेन ना आए। ये देखिए अभी मैं ये ग्राइंडर का यूज़ करूँगा। पूरा एकदम रेडी, ये पूरा अच्छे से आपको घोलना है उसको। ये पूरा आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका है, अभी हम लोग इसके मशीन के अंदर इसको हम लोग फील करेंगे, जैसे कि लोड करेंगे, फिर उसको आइसक्रीम बनाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो पूरा अच्छे से घोलना है इसको, यही उसका मोनोपोली है दोस्तों, इसको अच्छे से आपको सिर्फ घोलना है, ठीक है, मिक्सिंग करना है पाउडर और मिल्क को ठीक से। तो ये हमारा वैनिला फ्लेवर रेडी हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। तो अभी हम उसके बाद हम लोग चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग चॉकलेट फ्लेवर का फ्लेवर बनाएंगे। जैसे कि देख सकते हो 4 लीटर दूध, वही उसी सिस्टम से जैसे हम लोगों ने वेनिला बनाई थी कि 4 लीटर मिल्क लेना है, 4 लीटर मिल्क लेना है और एक इस तरह का चॉकलेट का पाउडर है, जैसे कि हम लोग अभी चॉकलेट का फ्लेवर बना रहे हैं, तो इस तरह का आपको बनाना रहेगा। जैसे कि देख सकते हो ये फ्लेवर का पैकेट है, प्रीमिक्स का पैकेट है चॉकलेट का, तो आप जैसे कि देख सकते हो 1 किलो का पैकिंग है ये, एक तरह का 1 किलो का पैकिंग में ये मटेरियल आता है और 4 लीटर इसके अंदर मिल्क डालना है और उसको अच्छे से घोलना है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं उसको किस तरह करना है। तो पहले तो हम लोग मिल्क को डालेंगे इसके बाल्टी के अंदर। अभी हम लोग इसके अंदर पाउडर डाल देंगे। चॉकलेट की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये जैसे कि देख सकते हो चॉकलेट पाउडर हम लोग डाल रहे हैं उसके अंदर। मिक्स पाउडर चॉकलेट का ऐड कर चुके हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो। जैसे कि अभी इसको ग्राइंडर से हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे और अच्छे से घोलेंगे, यही मोनोपोली है इसका दोस्तों।
जैसे कि आप देख सकते हो दो बाउल है यहाँ पे बनाए गए मशीन के अंदर, दोनों 5-5 लीटर के हैं। तो इस तरह का दोनों ढक्कन आएगा, वो हटा देना है सबसे पहले। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप देख सकते हो दोनों जार को, आप ये दोनों स्टेनलेस स्टील में बनाया गया 304 का है। जैसे कि देख सकते हो कूलिंग चैम्बर भी एक तरह की है ये, यानी कि इसके अंदर हम लोगों को अभी फ्लेवर ऐड करना है। तो हम लोग पहले डालेंगे वैनिला फ्लेवर, जैसे कि हम लोगों ने पहली बनाई थी। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह का आपको वैनिला फ्लेवर डालना रहता है मशीन के अंदर, जैसे कि देख सकते हो। बंद कर देंगे। तो देखते हो दोस्तों, जैसे कि देखा हम लोगों ने फ्लेवर बनाया मशीन के अंदर लोड किया, ये आपने एक पार्ट मशीन का देख लिया। अभी हम लोग मशीन का वर्किंग करवा के भी आपको दिखा। तो मशीन के यानी कि ऑपरेटिंग करने से पहले अभी मैं आपको आइसक्रीम निकाल के, यानी कि किस तरह का आप बिजनेस करोगे, किस तरह इसको भरना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ज़रूरी है कॉस्टिंग। दोस्तों आपको सही जानकारी रहेगी तो आपको सही बिजनेस करने का एक्सपीरियंस आएगा, तो आप उसमें से ज़्यादा हिम्मत करके आप ये बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा ये वीडियो में फ्लेवर हम लोगों ने कैसे बनाई, प्रीमियम सेट करके मिल्क ऐड करके किस तरह फ्लेवर हम लोगों ने बनाया, तो उसी तरह का मैं आपको कॉर्न का कॉस्टिंग भी बताऊंगा। जी दोस्तों, आपको ये एक नॉलेजेबल कंपनी ही यह जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि जैसे कि ये पैकेट से, ये मैंने कॉर्न का पैकेट्स लिया हुआ है मार्केट के अंदर से, जो मुझे पकड़ा गया तकरीबन 60 रुपये की, यानी कि 60 रुपये में मुझे ये कॉर्न का पैकेट पड़ा गया हुआ है, यानी कि ये मुझे मिला है मार्केट के अंदर से 60 रुपये का। तो ये खाली कॉर्न की एवरेज हम लोग गने के तो 2 रुपये का मुझे ये कॉर्न पड़ रहा है, लेकिन आप इसको क्वांटिटी में अगर परचेस करते हो आपके शहरों में तो आपको 1 रुपये दिन तक ये पड़ेगा कॉर्न। यानी कि अभी मुझे 2 रुपये में पड़ा है, क्योंकि मैंने एक ही पैकेट मंगवाया। यानी कि मैंने आपको ये सही जानकारी दे रहा हूँ, यानी कि कॉर्न की कॉस्टिंग है। आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉर्न आपको 2 रुपये में इंटी कॉर्न पड़ेगा, और इसके बाद आइसक्रीम डालोगे तो वो कितने कॉस्ट पड़ेगा वो मैं आप लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, अभी मैं इसको आपको भर के दिखाता हूँ। जी आइए दोस्तों, अभी हम लोग आइसक्रीम बना के चेक करते हैं, आइसक्रीम फील करके मैं आपको कॉर्न कैसे बनेंगे वो दिखाता हूँ। यानी कि 2+1 की सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का डेमो करते हैं, यानी कि आइसक्रीम अब निकालते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पूरी थियोरी देखी हुई है वीडियो में, तो अभी ये फील करना भी आपको दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ कॉर्न मैंने ले लिया वो उसमें हाथ में, यानी कि ये 3 हैंडल है मशीन के अंदर। जैसे कि देख सकते हो SS के 3 हैंडल है मशीन की। मैं आपको फंक्शन लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह का फंक्शन है, लेकिन पहले मैं आपको मैन्युअली दिखा देता हूँ कि यानी कि आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ ऑटो मोड में मशीन डाला हुआ है, यहाँ पे ऑटो क्लीन भी है, उस तरह का मशीन के अंदर फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे आप स्टॉप दबाओगे तो मशीन पूरा स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्री कूलिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल कूलिंग वाली सिस्टम वाली मशीन है, यानी कि यहाँ प्री कूलिंग सिस्टम है। और सबसे ज़रूरी ये वाला ऑप्शन है, यानी कि पफ, यानी कि जो आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी, यानी कि जो आपका क्वालिटी है वो ठीक बनाने के लिए, यानी कि वो पफ करेगा। एयर पंप लगा हुआ है, यानी कि आपका आइसक्रीम को वो एकदम फुला के डालेगा, यानी कि जो कॉर्न बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। यानी कि इससे आपकी क्वांटिटी में भी फर्क आ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यानी कि ये सिस्टम मोड अगर आप बंद रखते हो तो आपके कॉर्न की जो एवरेज रहेगी वो कम हो जाएगी, और लेकिन ये सिस्टम अगर आपकी मशीन में लगा हुआ है, यानी कि एयर वाली जो मशीन है ये एयर पंप वाली, तो उससे आपका आइसक्रीम फूल के आएगा, यानी कि जो कॉर्न की क्वालिटी आएगी वो आप हम लोग देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी आने वाली है दोस्तों। तो इस तरह का फंक्शन वाला मॉडल है, यानी कि ये जैसे कि देख सकते हो 8 फंक्शन इसके अंदर मौजूद है, और पूरा LED वाला मॉडल है। कितने आइसक्रीम के आप ये जिस तरह के कॉर्न फील करते हो उसका काउंटिंग सिस्टम भी है। जी दोस्तों, ये मशीन में काउंटिंग सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूडिंग है। यानी कि तो जैसे कि ये खाली कॉप है, यानी कि ये 3 वाल वाला मशीन है, यानी कि जैसे कि देख सकते हो ये हैंडल 3 लगे हुए हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके वाला मशीन है, 2022 की मॉडल लेटेस्ट मॉडल है, तो आपको आसानी तरीके से इसके अंदर आप निकाल सकते हो। जैसे कि पहले हम लोग वैनिला इसके अंदर से मैं आपको फील करके दिखाऊंगा, ये जैसे कि देख सकते हो वैनिला हम लोग ने इसके अंदर बना रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो इस तरह का आप ट्रेंडी आइसक्रीम बना सकते हो, इसके अंदर अलग अलग मोल्ड लगे हुए हैं। तो ये वैनिला का जैसे कि देख सकते हो आप, ये वैनिला का कॉर्न बन चुका है दोस्तों। ये कॉस्टिंग अगर आप निकालोगे, मैंने जैसे मिल्क और आपको दिखाया था, तो ये आपको कॉर्न 6 से 7 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। इसको आप प्योर मिल्क और अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम के साथ बनाओगे तो ये 7 रुपये तकरीबन ये कीमत जाएगी ये कॉर्न की। तो अभी जैसे कि देख सकते हो एक फ्लेवर हम लोगों ने निकाल चुके हैं,
अभी मैं इसके अंदर से आपको चॉकलेट फ्लेवर बना के दिखाऊंगा। आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने आपको चॉकलेट भर के दिखाऊंगा इस तरह का। तो ये चॉकलेट फ्लेवर का मैंने ये कॉर्न भर के दिखाया है, तो आप इसमें भी बहुत सारे अलग अलग बना सकते हो। अभी हम लोग दोनों कॉम्बो बना के मैं आपको दिखा दूँ कि दोनों कॉम्बो किस तरह का आएगा। जैसे कि देख सकते हो, चॉकलेट और वेनिला जो भी इसके अंदर आप दोनों अलग अलग डालोगे उसमें दोनों मिक्सिंग होकर इसमें आएगा। अभी जैसे कि देख सकते हो, हम लोग कॉम्बो बना के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला कॉम्बो बनेगा। ये दोनों फ्लेवर मिक्स होकर आया है दोस्तों, देखो चॉकलेट और वेनिला का दोनों कॉम्बिनेशन वाला कॉर्न है ये। ये जैसे कि देख सकते हो, और एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये क्वालिटी वाली आइसक्रीम है दोस्तों। देखिए आपको ये क्वालिटी वाला है, देखो ये एक्चुअली रियल क्वालिटी है दोस्तों। इस तरह का मशीन लोगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा, यानी कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये जैसे कि देख सकते हो दोनों वाला, यानी कि क्वालिटी आइसक्रीम की देख सकते हो। तो इस तरह का, यानी कि मैंने आपको इसमें वीडियो में तीन अलग अलग फ्लेवर बना के इसको मिल्क से बनाना किस तरह का सारी जानकारी देने की कोशिश की है। यानी कि तीन फ्लेवर आप अलग अलग बना सकते हो इसके अंदर, दो एक चॉकलेट वेनिला, इसके अंदर बहुत सारे अभी स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं, तो आप इसमें से दोनों में मिक्स करके बना सकते हो। ये दोनों अलग अलग वाले, तो इस तरह के जैसे कि आपने आज पूरी वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, यानी कि फ्लेवर बनाना, यानी कि आइसक्रीम की फ्लेवर कैसे बनती है वो भी मैंने आपको सिखाया, आइसक्रीम की कॉस्टिंग क्या रहती है, मिल्क की, यानी कि मिल्की आइसक्रीम बनाने की आपको कॉस्टिंग क्या जाती है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हो इसके, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि कोई भी चला सकता है, लेडीज भी चला सकती है। यानी कि इस तरह की ईजी ऑपरेटिंग वाली मशीन है, तो इस तरह की क्वालिटी वाली मशीन खरीदने के लिए सोडाबन सोडा मशीन में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो डिस्प्ले पर नंबर जैसे देख सकते हो वहां पे भी आप कॉल करके हमें इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। यानी कि मशीन की मैंने जानकारी पूरी दी है बिजनेस की, और सबसे जरूरी चीज में आपको एक चीज, कोई इंसान आपको रास्ता दिखाएगा लेकिन चलना तो आपको खुद को ही, यानी कि ये ना हो जाए कि मैंने आपको जैसे बताया कि इस तरह का पैसा मिलता है, लेकिन दोस्तों मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उस तरह का ये बिजनेस है, तो आप जरूर करना इस तरह का बिजनेस। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले पर नंबर दिया गया, वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।